हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 28 फीट बाई 50 फीट के प्लान के बारे में, जो आपका एक वेस्ट फेसिंग प्लान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड आपका यहाँ पे 3D आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर आपका वेस्ट फेसिंग है, जो आपका मेन गेट है, आपका फ्रंट ओपनिंग यहाँ पे वेस्ट फेसिंग भी दी गई है। फ्रंट ओपनिंग 15 फीट बाई 12 फीट की है। हमने इसमें एक शॉप बनाई है 10 फीट 10 इंच बाई 12 फीट की। अगर आप देख सकते हैं 3D में, यहाँ पे एक शॉप बनी हुई है और यहाँ से आपकी एंट्री है। यहाँ से 3 फीट 6 इंचेस का आपका वाइड प्रोजेक्शन है, जो ऊपर वाला लेंटर का प्रोजेक्शन है। 5 फीट की आपकी वाइड गैलरी है, जो आप 3D में भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपका यहाँ पे एक मेन ड्राइंग रूम बनाया गया है 10 फीट बाई 11 फीट का, यहाँ पे ड्राइंग रूम है। और यहीं से एंट्री आपकी लॉबी में है, और एक एंट्री यहाँ से दी गई है लॉबी में, जो लॉबी का साइज है 13 फीट 4 इंचेस बाई 14 फीट 4.5 इंचेस का है। यहाँ पे मास्टर बेडरूम बनाया गया है, जिसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। आप यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम का आपका बहुत ही अच्छा डायरेक्शन मानी जाती है। 10 फीट 9 इंच बाई 11 फीट का आपका ये मास्टर बेडरूम बनाया गया, जिससे एक लेटरिन और बाथरूम अटैच किया गया है 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट 6 इंचेस का। एक वॉशरूम यहाँ पे बनाया गया है, और जिसकी ओपनिंग यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे एक ओपन एरिया दिया गया है वेंटिलेशन के लिए 3 फीट 6 इंचेस बाई 2 फीट 6 इंचेस का। साउथ डायरेक्शन में आपकी यहाँ पे स्टेयर्स प्रोवाइड की गई है, जो स्टेयर्स की नंबरिंग है वो आप रख सकते हैं यहाँ पे 11, 17 और 23, जो वास्तु के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे शुभ माना जाएगा। अगर हम चिल्ड्रन रूम की बात करें, तो यहाँ पे चिल्ड्रन रूम बनाया गया है, किड्स रूम बनाया गया है 11 फीट 10 इंचेस का, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो काफी अच्छा माना जाता है। रियर ओपनिंग यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे किचन बनाई गई है आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 7 फीट 10 इंच की। तो ये तो हो गया आपका बेसमेंट का प्लान। अगर हम बात बेसमेंट नहीं, ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर के प्लान की, तो फर्स्ट फ्लोर में जैसी आपकी ओपनिंग होती है, यहाँ पे लॉबी में ओपनिंग होती है, और इस कंप्लीट एरिया को हमने कवर किया है एज ए लॉबी। यहाँ से आप बाहर टेरिस पे जा सकते हैं, और सेम बेडरूम, मास्टर बेडरूम और किचन और किड्स रूम, और यहाँ पे बालकनी बना सकते हैं, ओपन एरिया यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे सेम वॉशरूम आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो और अगर मैं 3D की बात करूं, तो इस तरीके का डिजाइन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।